यस ओके और करने हमारी ओपनिंग का एक्ट आ गया है। बेटे क्या हाल है सबके, अलग ही वाइब है यार। इस बार भाई सिंगापुर में जो है यहाँ पे, क्योंकि फैन फेस्ट हो रहा है भाई, दो साल बाद फैन फेस्ट हो रहा है। लास्ट 2019 में हुआ था। इस बार ना मैं बताऊँ, थोड़ा सा मेरे को डर भी है, थोड़ी सी नर्वसनेस है, बट एट द सेम टाइम बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि डरते भी हो। पहली बार हम यलगार और वरदान लाइव परफॉर्म करने वाले हैं। बट यार दिक्कत ये है कि ये इंडिया नहीं है, ये सिंगापुर है भाई। प्लीज बेइज्जती मत करवाना, ऐसे ना हो। मैं सबको कह रहा हूँ, डिड यू गाइस हैव फन, और पीछे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। देखो अगर मोटिवेशन मिली तो बहुत मजा आएगा, अगर नहीं मिली तो किस्सा बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लाइफ इज फुल ऑफ एंजॉयमेंट एंड फन, लेट अस डू इट। भाई मेरी स्कर्ट पूरी चिपक गई है। ओके कूल। ये तो मैंने लाइव देखा था। क्या कहते हैं, जब आप माइक पे गाते हो वर्सेस जब आप एक रिकॉर्डिंग करने जाते हो वर्सेस आप नॉर्मल गा रहे हो, तो उसमें काफी कहते फर्क आ जाता है। तो उसको यूज्ड टू होने में अभी हमें क्या एक ही रिहर्सल का टाइम मिला है, तो अभी आई डोंट नो इफ वो काफी है कि नहीं है। तो हमारे लिए भी थोड़ा सा नया है और उससे एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई होप तब तक हो जाए ताकि तुम भी अच्छे से इंजॉय कर पाओ, बाकी देखते हैं क्या होगा। तो गाइज अभी हम मॉल में आ रखे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है क्या करना है, क्योंकि दिक्कत यह है हमारी जो आउटफिट है फैन फेस्ट के कॉन्सर्ट के लिए, अब वो थोड़ी ब्लंडर सा हो गया है। तो अब हम थोड़े से नए ऑप्शंस ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन हजार साल हो गए मुझे शॉपिंग करे, मुझे नहीं पता क्या करना, कहाँ जाना, कहाँ मरे जाके, कुछ समझ नहीं आ रहा। 1,61,000 कितने की थी भैया? 1,61,000 ऐसा नहीं है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हो ना, फिट नहीं आ रही थी ढंग से, खेलना कोई बड़ी बात नहीं होती, हमने तो वैसे भी फरारी ले रखी है इतनी सारी, है ना। ओके तो गाइस अभी थोड़ी सी सिचुएशन चल रही है, अभी तक हमें कपड़े मिले नहीं है। एक और एक्टिविटी है हमारी जो हमें करनी है, तो उससे पहले हमें कपड़े लेने होंगे। तो हमारे पास टोटल 20 मिनट है कि हम कुछ एक चीज पकड़ लें जो हम रेड कार्पेट पे पहन सकते हैं। मेंस का आगे विमेंस है नहीं, ज़ारा FTW यार, मिल जाते हैं ज़ारा में कपड़े। नहीं यार, तो एट द एंड ऑफ द डे हमें कुछ नहीं मिला। ज़ारा में पार्टी वेयर इवेंट्स के लिए अच्छे कपड़े मिलते हैं, मुझे तो सही लगता है भाई, जो भी है भाड़ में जाए यार, भाड़ में जाए। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू फैन फेस्ट 10। वो कह रही है हाँ यार, वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है फिर। बॉयज़ के लिए नहीं मिलते? ओ नो, बॉयज़ के लिए मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। मैं बता, मैं अपने आधे कपड़े बॉयज सेक्शन से ही उठाती हूँ, जो मेन सेक्शन होता है ज़ारा के, हुडीज पैंट्स जो स्ट्रीट वेयर है, मैं आधे कपड़े बॉयज़ वाले सेक्शन में से उठाती हूँ। बिकॉज तुम लोग के लिए ना ज़ारा में वैरायटी ज़्यादा होती है, प्लस डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे होते हैं। ज़रूर लाइक गिव इट अ ट्राई, अच्छा लगेगा तुम लोग को। ज़ारा इट्स वेरी गुड फॉर बॉयज़ के लिए, तो बहुत अच्छा है। स्ट्रीट स्टाइल आई एम सेइंग, जो लूज फिट होते हैं, लूज स्वेटशर्ट, लूज पैंट्स, या फिर वो ऐसे बैगी पैंट्स, वो ट्राई करना, इट्स गुड। अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना है। ये ज़ारा का ही है जैकेट, मैंने ज़ारा में ही देखा था शायद, जो उसने पहना है ब्लैक वाली। यार ये सो मच फन है, मस्ती मजा आती है। अब हम जा रहे हैं, नाइस। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं रेड कार्पेट के लिए। कल हमने काफी स्ट्रगल किया था कपड़ों को लेकर, हमें कुछ मिला नहीं,
अब हम वही पहन रहे हैं जो हम पहन रहे हैं। देखो जो कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, जब पहुंच गए हो तो अच्छे से करो, तो हम वही करें, फिर आगे देखते क्या होता है। खैर तुम लोग बता कैसे लग रहे थे, आ रही थी चमक, आ रही थी चमक। All right, let's put our hands together and welcome Carrie Minati. Minati. अगर आप दो तीन महीने में एक बार शॉपिंग करते हो, तीन चार महीने में एक बार, तो यू कैन ट्राई इट। उतना ज्यादा भी महंगा नहीं है, एक पैर आई कैन से 2,000-4,000 में आ जाएगा ना। अभी सब अच्छे ही, उतना तो लोग लेते ही है यार। 2-3K इज गुड, H&M से थोड़ा ज़्यादा है सिर्फ। हाँ रेट में अगर आप पैसे में बात करो तो H&M थोड़ा सस्ता है इज़ कम्पेयर टू ज़ारा, ज़ारा थोड़ा सा महंगा। डेली वेयर के तो यू कैन ट्राई H&M के टी शर्ट्स ओवर साइज, वो तो 1,700-800-900 में मिल जाते हैं, 700-800 में तो मिल ही जाते हैं। मैं कुछ ज़्यादा H&M ही लेती हूँ रे, मैं कोई बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं लेती क्योंकि मैं बहुत शॉपिंग करती रहती हूँ। तो हेमंग ठीक है, ठीक है, हम तो 2-3 साल वाले हैं, लड़कों को नहीं रहता रे उतना शौक, लड़कियों को ज़्यादा रहता है। ओवर साइज H&M के अच्छे आते हैं। हाँ ओवर साइज टी शर्ट है ना जो फॉल स्लीव वाले, वो सब जैसे जोकर भाई पहनते हैं, वो सब तुम H&M में देख सकते हो, अच्छा मिलता है वहाँ पे। Beautiful. What is your My secret? Beard. Yeah, tell me. See, you need to go through puberty again for that. I want to. It's. इधर आओ, इधर आओ. एक बार देखो. ये रोज करते हैं देखो कारना. अभी भी फटने वाला है वो. इसको बंद करो. Okay. तो हमें बहुत बड़ा डर है क्योंकि मैंने सफेद पहन रखा है, तो ये सफेद पे आ जाएगी ना, ऐसा लगेगा मेरे पे किसी ने हक दिया है। तो हम चाय गर्म कर रहे थे अपनी केतली में, लेकिन हुआ ये कि हमें केतली गर्म तो हो रही थी, मैं आवाज ही नहीं आई क्योंकि इतना शोर मच रहा है, तो हमें पता ही नहीं चला। और बूम, Volcano, this is the result. We are so clever. ऐसे cinematic में आना चाहिए। कितना nervous हो गया यार। First we have the biggest creator from Asia Pacific. चले, चलो, चलो। Okay guys, तो अब हम जा रहे हैं perform करने, हमारी opening का act आ गया है। और yo, thank you. तो सही बताऊँ इस वक्त पता क्या होता है, जब हम तुम स्टेज पे जा रहे होते हो, अभी सही बताऊँ मेरी तो क्या पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं थोड़ा सा नर्वस, क्या काफ़ी नर्वस हूँ मैं, बट होता उसमें क्या है ना, तुम्हारा शरीर नंब चला जाता है। जब मैं स्टार्टिंग में जाऊँगा तब शायद थोड़ा नंब रहेगा, बट जैसे जैसे मैं ज़्यादा स्टेज के अंदर घुसता चला जाऊँगा और करता चला जाऊँगा ना, जरूरत है यार। सिंगापुर, सो आर यू गाइज रेडी टू हेयर यलगार? लगता है मैं एक फकीर हूँ, अगर ये हाथ है तो मैं इनकी लकीर हूँ, जिन हाथों ने है मुझे को थपाया उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ। इंग्लिश में गाली देने वाले लगते फूल, हिंदी में देने वाले लगते इतने फूल, फूल से भर रहा देख मेरा फूल, तो मैं हो गया आगे प्रिंसिपल पर मैं हूँ पूरा स्कूल। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी चलानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। झलकार हो ओके गाइस, तो हमारी परफॉर्मेंस डन है। आई थिंक इट वाज अमेजिंग, बट स्टार्टिंग का थोड़ा डीसिंग हुआ क्योंकि मेरी ऑडियो कम थी, बट आई थिंक बाकी तो सही था। कैसी थी? अजय के डैड का रिएक्शन तो अभी जस्ट हम परफॉर्मेंस दे के आए हैं और इट इज जस्ट वेरी, I don't know, every time I perform, it's just very, very emotionally heavy.
और ऐसे हो जाता है अंदर से ना कुछ बाहर आता है जो कहता है मेरे को ये करना है, मेरे को ये अपनी पूरी जिंदगी करना है। बिकॉज जब तुम अपने आप को वहाँ पे देखते हो ना, और जब तुम अपने आप को देखते हो कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ पहुँच गए हो, वह यकीन सा नहीं होता। हो सकता है मैं ऐसी इमोशनल हो रहा हूँ, बट इट इज़ वॉट इट इज़ मैन, एंड दिस इज़ वॉट फील्स टू बी अलाइव फॉर दैट 13-year-old kid who sat on his computer the whole day, didn't know what the fuck to do, but still he did it. So I want to say thanks to everybody who has been part of this journey, because we are not going anywhere and we are going to continue this, and I love you, I love everybody, I love you guys.